हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है विंडोज 11 24 H2 का न्यू वर्जन ISO फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। बहुत सिंपल है, तो आप कोई भी ब्राउजर का यूज़ कर कर ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो है गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है विंडोज 11 ISO, फिर आपको जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। फिर आप जो है यहाँ पर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जो है इसको क्लिक कर कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज, तो आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर विंडोज 11 जो है सेलेक्ट करता हूँ 64 बिट, और ओके यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। तो यह प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए तो आप जो है यहाँ पर से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वाली लैंग्वेज को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म के ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर यह प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए यह प्रोसेस कंप्लीट होने तक। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये विंडोज़ 11 24H2 जो है न्यू वर्जन यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, और ये 5.4 GB का है। तो यहाँ पर ये डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरीके से आप जो है इजीली विंडोज़ 11 ISO फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।